नमस्कार मुझ लक्ष्मी नारायण। देश में कोरोना मामला बढ़ुच्छे एभली स्थिति में मास्क सबुठ बड़ अस्त्र आम आपंक बारंबार अनुरोध करुच्छू मास्क पिंधतु। न्यूज 18 आरंभ कर एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपड़ शपथ करूँ जेपर्यंत महामारी अच्छी मुहर मास्क काढ़े ना। आसतु खबर अभियान को आगे बढ़ेगा और नजर पकेबा से खबर उपर मलकानगिरी सुंदरगढ़ बलांगीर पर गजपति गजपति जिले में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना हेबो शुभारंभ। वरलाखेमुंडी में स्मार्ट कार्ड बंटन कार्यक्रम में जोग देवे मुख्यमंत्री किसम पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित रहिबे। आपण देखुं भिजुआल मुख्यमंत्री पहुँचे अल्प समय पर पहुँचे स्मार्ट कार्ड बंटन सहित गजपति जिला को 790 कोटी टंकार प्रकल्प भेटदेवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वरलाखेमुंडी स्टाडियम आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिला जनप्रतिनिधि मैंने किसी समय पर BSKY हिताधिकारी स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह सहित विभिन्न प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर और उद्घाटन कर कार्यक्रम रही मुख्यमंत्री कार्यक्रम पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर दक्षिणांचल DIG सत्यव्रत भोई निजे उपस्थित रही सुरक्षा व्यवस्था तदारख कर मुख्यमंत्री BSKY स्मार्ट कार्ड योजना शुभारंभ करने 9 जन मंत्री और 12 जन राज्यस्तरीय नेता जिलार विभिन्न स्थान में हिताधिकारी स्मार्ट कार्ड बंटन कर कार्यक्रम रही प्राय 96,000 हिताधिकारी स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन कर जिलार 164 स्थान में व्यवस्था कर सीधासलख भिजुआल दुईट स्क्रीन गोटे हूँ मीटिंग स्थल भिजुआल एवं अन्यटि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हेलिकप्टर अल्प समय पर अवतरण कर जहाँ व्यवस्था होती सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर देखिपुट गजपति में BSKY विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY स्मार्ट कार्ड योजना जो शुभारंभ कर गजपति जिले में बंटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हिताधिकारी जहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक जुगंतकारी पदक्षेप मुख्यमंत्री द्वारा जो भाव में स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन द्वारा अति सरल चिकित्सा सुविधा पाईपर हिताधिकारी देखिपुट विजुआल वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हेलिकप्टर अवतरण कर सारी जो व्यवस्था रही जो कार्यसूची रही कार्यसूची अनुसार दिन 11 बेले मुख्यमंत्री हेलिकप्टर पहुँची सारी गजपति जिले रे एवं आउ किसी समय पर मुख्यमंत्री सभास्थल रे उपस्थित रहिबे। मुख्यमंत्री स्वागत करिबा पाई कर्मी कथा कहतु हिताधिकारी कथा कहतु उत्साहित अच्छा कारण मलकानगिरी तापर सुंदरगढ़ जिला तापर बलांगीर जिला एवं एबे गजपति जिले रे स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन करिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वासुदेव दास आम सह सीधा सख जोड़ी होती वासुदेव वर्तमान मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर पहुंच सारे कौन अपडेट देखुं उत्साह कमी देखुं वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्टाडियम ठीक पहुंची सारे हेलिकॉप्टर रे वर्तमान से हेलिकॉप्टर ओल्ल जोटा की सभा स्थल रही जगह पहुंचे देखा गले वर्तमान स्थानीय लोक गोटे उत्साह रही से जो स्मार्ट कार्ड हेल्थ कार्ड रो शुभ उद्घाटन करेंगे जहां को नहीं सारा कमिटीवासी और गजपति जिलावासी बहुत उत्साह सहित अच्छा जत मुख्यमंत्री आसी पहुंचे से अपेक्षा करते बर्तमान मुख्यमंत्री आसी पहुंची सारे वर्तमान सभा स्थल को आसी पहुंचे पहुंचला पर जो स्मार्ट कार्ड रही तार शुभ उद्घाटन करेंगे और 790 कोटी टंकार किसी प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे उद्घाटन करार कार्यक्रम रही लक्ष्मी। वासुदेव आप कहते मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर पहुंची सारी एवं जो निर्धारित समय था से निर्धारित समय रे मुख्यमंत्री पारलाखेमुंडी पहुंची सारी एवं आउ किसी समय पर सभास्थल रे जोग देबे केते उत्साह देखुं सभास्थल रे हिताधिकारी मनरे देखो लक्ष्मी उत्साह गजपति मालाकेम लोक मान उत्साह जहाँ रही नवीन पटनायक स्वागत स्वागतम स्वागतम बर्तमान मालाकेम लोक मैंने लोक मैंने उत्साह सहित अच्छा बर्तमान मुख्यमंत्री आसवे सभास्थल को ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू अच्छा पारलाखेमुंडी MLA के नारायण उपस्थित रे मोहना MLA दासरथी गमांग उपस्थित रे हेल्थ मिनिस्टर जी की नव किशोर दास रे विश्वशंकर मिश्र रे जगन्नाथ सारगा उपस्थित रे गजपति जिलापा उपस्थित अच्छा बर्तमान मुख्यमंत्री
ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଲେଣି। ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବାସୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ କେମିତି ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି DIG ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗେଥିଲେ। ଗଜପତି SPଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ବେନିଫିସରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 9 ଜଣ ବେନିଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, 7ଟି ବ୍ଲକର 7 ଜଣ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁନିସିପାଲିଟି ଜଣକୁ ଏବଂ କାଶୀନଗର NSO ଜଣକୁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 9ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 12ଟା ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ 96,000 କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ 96,000 କାର୍ଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ବେନିଫିସରି ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ 790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ, ଯେଉଁ 790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବାର ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ଛେଳିଗଡ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହନା ବ୍ଲକର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 35 କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ 790 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତାର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ବେନିଫିସରି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାସୁଦେବ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗରୁ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମଗ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ବିରଳ ଏହି ମାଟି, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ବିରଳ ଏହି ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,45,000 ପରିବାର BSY ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 820 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଏବଂ ହୁରୁଳି ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସରଳ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅତିଥି ଦେବୋଭବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଜପତି ମାଟି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ ବିକାଶର ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ। 2009-10 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନା ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏବଂ
गजपति जिलावासी तरफ मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय को एथिपाई अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुच्ची एवं अनुरोध करुच्ची तांको उद्देश्य आपण जोरदार हुळहुळी एवं करताली दियंतु। आम गहण में उपस्थित अछंती मान्यवर सांसद श्री चंद्रशेखर साहू महोदय मुतांको अनुरोध करी से तांकर स्वागत अभिभाषण उपस्थापना करिवे। जोड़ी भाव में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक जुगंतकारी पदक्षेप कही पार जो हिताधिकारी माने स्वास्थ्य सेवा वंचित होते आदिवासी बहुत स्मार्ट हेल्थ कार्ड एक नुआ चासी ऊपर प्राय निर्भर करुक्ति हम ना कारण देखो जोड़ी भाव हिताधिकारी माने स्वास्थ्य सेवा वंचित होते स्वास्थ्य सेवा अधिक पहुंच हो जाए जी कह VSKY स्मार्ट हेल्थ कार्ड हिताधिकारी अनेक सहाय आम गहण रे विभिन्न जनकल्याणकारी योजना एवं विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट कार्ड र बंटन एवं आरंभ पाई ओडिशार जे कि भारत बर्षर नंबर वन मुख्यमंत्री आम समस्त प्रिय जे कि 4.5 कोटी ओडिशार जनता को मो परिवार बोल लेछंती। ब्रेक रो स्वागत पुणि आसवा से ही खबर को मुख्यमंत्री गजपति जिला गस्त एवं गजपति जिले में पहुंची सारी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आ किसी समय पर से हिताधिकारी को विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड हेल्थ कार्ड बंटन करेंगे मुख्यमंत्री एथपाई सबुठ उत्साह देखा मिली हिताधिकारी मन में खुशी देखा मिलूँ एवं बहु नेता उपस्थित रही आप देखिपुंट ब्रह्मपुर सांसद वक्तव्य रखुंट एवं पारला खेमुंडी रे स्मार्ट कार्ड बंटन सहित अनेक प्रकल्प उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे जा देखुली बुलूली से स्कूल सब अति सुंदर भाव में कम चलती तेणु मुझिका कह समय ना अधिक समय ने भी ना पुणी थे आपण मान तरफ समस्त तरफ अशेष अशेष धन्यवाद देवी एवं आशा करी निश्चित भाव यही आशीर्वाद था आम गजपति जिला प्रति सब बेले सहानुभूति था आग को आहरी उन्नयनमूलक कार्यक्रम पर सब बेले खोला हृदय रो समस्त को धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्कल जननी। प्रकृत पक्षे आम प्रिय मुख्यमंत्री विशाल हृदय माननीय मुख्यमंत्री सदा सर्वदा कहते समग्र ओडिशावासी होती मो परिवार एवं प्रत्येक ओडियांकर जीवन मोपाई मूल्यवान आपण मैंने समस्त उपलब्धि करती जेतेबले परिवार रे कहार देह खराब हुए जो मैंने पाखे संबल न थाए बेले बेले घर ढीघ बिकिया को पड़े बेले बेले पिलार पाठपढ़ा अटकी जाए किंतु आज से समय आओ नाही आज VSKY स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना माध्यम ओडिशा रे प्राय 3.5 कोटी जनसाधारण 200 रु ऊर्ध हॉस्पिटल रे पुरुष माने 5 लक्ष टंका पर्यंत एवं महिला माने 10 लक्ष टंका पर्यंत निशुल्क सेवा पाई परिबे या निश्चित भावे एक जुगंतकारी योजना। वर्तमान मु माननीय विधायक दासरथी गोमांग महोदय को अनुरोध करी तांकर वक्तव्य प्रदान करने पाई। आज गजपति जिले रे महामान्य मुख्यमंत्री राज्य मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक महोदय ए गजपति जिला को तो गरीब लोक मानंग पाए विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जो आरंभ करबा पाए शुभारंभ एवं आज कार्यक्रम को उद्घाटन करिसंते एवं ए जिल्ला को अतिशय भल पाइथिबारो आज गजपति जिल्ला को से आम गजपति जिल्लार समस्त जनसाधारण को जो स्वास्थ्य कार्ड बंटन कार्यक्रम जोग दे मो मोहना विधायक भाव तांको बहुत बहुत कृतज्ञापना जनाऊँ धन्यवाद दूची एवं प्रणाम जनाऊँ
आज आम सांगे ब्रह्मपुर लोकसभा सांसद श्रीजुक्त चंद्रशेखर साहु महोदय राज्यर स्वास्थ्य कल्याण विभाग मंत्री श्रीजुक्त नवकिशोर दास बाबू एवं राज्यर गृहमंत्री जे आमर दिव्यशंकर मिश्र बाबू एवं आदिवासी कल्याण विभाग मंत्री जगन्नाथ सरकार महोदय मोर बंधु पारलाखंडीर विधायक श्रीजुक्त के नारायण राव महोदय एवं राज्य को एवं मुख्यमंत्री राज्यर ये सब जहाँ कार्यक्रम हो 5G सेक्रेटरी श्रीजुक्त पांडियन महोदय गजपति जिलार जिलापाल समस्त पदाधिकारी बंधु एवं गजपति जिलार एसपी एवं समस्त मोर भाई रायगढ़ विधायक मकरंद मुदली गुणपुर विधायक मंग भाई एवं आमर एई स्थान रे समस्त अंचल कार्यकर्ता मीडिया बंधुगण इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधुगण प्रेस मीडिया बंधुगण समस्त को आज रे कार्यक्रम रे आपण मानको स्वागत जनाउछि धन्यवाद जनाउछि। आज मो निर्वाचन मंडली रे मोना निर्वाचन मंडली रे मध्य निश्चित आप देखी पार्टी सभास्थल चित्र एवं भाव में मुख्यमंत्री पहुंचा पर उत्साह देखा मिली एवं उपस्थित रही सांसद ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू मोहना विधायक दासरथी गमांग वर्तमान उद्बोधन देउछंती स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास रही तेज पूरा योजना संपर्क जानवाक आम सीधासख जा वासुदेव दास आम प्रतिनिधि सहित वासुदेव जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री पहुँचला पर निहाती समस्त उत्साहित अच्छा यदि कहिबा BSKY योजना रे गजपति जिले में आज निर्दिष्ट भाव में केते लोकों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन कराजिबो आउ कौन कौन व्यवस्था रही सबू जमीक जो प्रकल्प उद्घाटन कार्यक्रम रही शिलान्यास कार्यक्रम रही 970 कोटी टंका प्रकल्प उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जानवाक चाहिए क्यों क्यों प्रमुख प्रकल्प रही जहाँ आपण कहीपर गजपति जिलावासियों एक बरदान सदृश हे गजपति जिला में विभिन्न प्रकल्प मुख्यमंत्री आज पहुंचला पर बर्तमान सभा कार्य चलते किसी बर्तमान सातोशी गमांग मुख्यमंत्री देखा गले बर्तमान जहाँ नौ जन हिताधिकारी बर्तमान कार्ड कार्ड दबार जहाँ कार्यक्रम रही बर्तमान परवर्त समय सभा सर परवर्त समय नौ जन मंत्री और भारत नेता दायित्व देखी से पंचायत म्युनिसीपाटी पारलाखंड म्युनिसीपाटी और काशीनगर NAC आदि अंचल समस्त 164 केन्द्र से बांटार कार्यक्रम होती मुख्यमंत्री नौ जन हिताधिकारी को सभा देते परवर्त समय पंचायत और परवर्त समय कार्ड दिखाई जहाँ जिलार 5 दिन भर में कार्ड को हिताधिकार मान व्यवस्था कर लक्ष्मी देखा गले जो शिलान्यास जो कह 790 कोटी टंका जो शिलान्यास कहपति जिलार विभिन्न प्रकल्प रही देखो कह रायगढ़ ब्लक चलांग ना रही जोटा कि लोक मान सब बहुत समस्या रही जहाँ जावासवा करते चलांग ना पा आसने लोक मैं रही जाते आसपा
ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। निश्चित भाव में वासुदेव आपण जहाँ कहते अनेक उद्घाटन कार्यक्रम रही सहित रही विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड बंटन किंतु गोटे कथा हूँ वासुदेव देखो जितेबाला प्रथम मलकानगिरी कथा कहतु तापर आपण बलांगीर कथा कहतु जो विभिन्न जिले में बर्तमान जिते स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन कराला प्रथम पर्यायर पुणि थे आसबे वासुदेव आपण परवर्त समय अधिक सूचना पाई वासुदेव दास प्रतिनिधि जहाँ सूचना देते वर्तमान विभिन्न कार्यक्रम रही विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम रही जनसाधारण से निज जीवन को उत्सर्गीकृत करते स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर कथा आसे जेतेबेले समाज रू कुसंस्कार को दूर करिवार कथा आसे बा शिक्षार प्रचार प्रसार कथा आसे से मन पड़ती आमर पारला महाराज ए गजपति माटी प्रति प्रबाद पुरुष श्री विजु पट्टनायक अशेष अशेष ध्यान थिला। से जेतेबेले द्वितीय थर पर मुख्यमंत्री होते मात्र दुई वर्ष मध्य माटी को जिल्लार मान्यता देते ना देते गजपति ए माटी एवं जिला सदा सर्वदा विजु बाबू पाखरे आभारी रहिबो एवं तांकर सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू आज ए जिल्लार विकास पई बहुमुखी योजना करुछंती एवं आज मध्ये उपस्थित अछंती आपण मानकु किछि प्रकल्प भेटी देबा पई आम गहण रे उपस्थित अछंती माननीयवर विधायक पारलाखेमुंडी श्री के नारायण राव मु तांकु अनुरोध करबी से तांकर अभिभाषण उपस्थापना करबे। आज साढ़े चार कोटीर ओडिशा लोकंर प्रिय मुख्यमंत्री गजपति जिला आसंती